अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में कर्ज की अदायगी के लिए एक बेहतरीन अजीम शान दुआ बतलाने वाला हूँ जो लाखों लोगों का तजर्बा भी है और रसूलुल्लाह की बताई हुई दुआ है। तो इसकी सदाकत में और इसके काम करने में और इसके ज़रिए इस पर इसको पढ़कर के नतीजा और रिज़ल्ट आने में किसी भी तरीक़े का डाउट और शक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हुजूर ने बतलाई है, लाखों करोड़ों लोगों ने तजर्बा किया है। हमारे जो भाई और बहनें मकरूज हैं उनके ज़िम्मे किसी का कर्ज है, वो कर्ज से परेशान हो गए, जिंदगियां बीत गईं, 5 साल 10 साल हो गए, उनका कर्ज ही नहीं उतरता, वो हमेशा मकरूज ही रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार ये नुस्खा है और बेहतरीन और शानदार ये दुआ है। इस दुआ का वो अहतमाम अगर करेंगे तो रसूलुल्लाह की ज़बान से निकले हुए ये कलिमात हैं, इंशाअल्लाह कभी झूठे नहीं होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बतलाते हैं उसमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात रसूलुल्लाह की बताई हुई है तो किसी तरीके का शक नहीं करना चाहिए, उस पर यकीन और ईमान के साथ अमल करने के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर रिज़ल्ट आता है। हमारी आँखें देखने में गलती कर सकती हैं, हमारे कान सुनने में गलती कर सकते हैं, लेकिन जो बात रसूलुल्लाह ने कह दी है ना वो हर्फ बहर्फ पूरी होकर के रहती है। हुज़ूर ने फरमाया कर्ज की अदायगी की दुआ ये है, यानी अगर कोई बंदा इसका एहतमाम करेगा और वो मकरूज है या इसी तरीके पर उसका कारोबार नहीं चल रहा है, हलाल रोज़ी के दरवाज़े उसके लिए नहीं खुले हुए हैं और उसके लिए रिस्क की वसात नहीं, रिस्क की तंगी है, तो इस दुआ के अहतमाम के नतीजे में अल्लाह ताला उसकी तमाम तरीक़े की मुश्किलों को आसान फरमा देंगे। दुआ है इसके अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। एक बार और सुन लीजिए आप और इसको याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ को आप सुबह शाम पढ़ने का, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ने का एहतमाम कीजिए। बहुत आसान है, 4-6 अल्फाज सारे ही हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। इसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह तो हमें हलाल दे, हराम से नजात नसीब कर दे और अपने फ़ज़ल से रिज़्क माल दौलत से नवाज कर, अपने सिवा और किसी से मांगने से हमको बेनियाज कर दे, यानी किसी के सामने हमारे हाथ न फैलवा, खुद अपने से मांगने वाला हमें बना और हमारी तमाम तरीक़े की माली मुश्किलों को आसान कर दे। इस दुआ का आप तजर्बा करें, अहतमाम करें, यकीन और ईमान के साथ इस पर अमल करें, अल्लाह की ज़ात से 1000% ये उम्मीद है, यकीन है कि इंशाअल्लाह आप अपने जायज़ मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।